अनुसूचित जाति का सम्मेलन द्योत में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा, भाजपा प्रत्याशी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र अनुराग ठाकुर, माननीय संजीव सैजल व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मुल्कराज प्रेमी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बिलासपुर जिला के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कृष्ण चंदेल ने आए सभी अतिथियों का तहदिल से स्वागत किया। भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि हमेशा ही वोट बैंक के लिए कांग्रेस के अनुसूचित वर्ग का वोट बैंक का इस्तेमाल किया है, जो अब हरगिज नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को कभी भी सम्मान नहीं दिया है और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 26/11 को हुए हमले में 300 लोगों का बदला नहीं लिया, जबकि पुलवामा पर हुए हमले का शहीदों का बदला लिया। उस पर भी कांग्रेस पार्टी के लोग पाकिस्तान में मारे लोगों का सबूत मांग रहे हैं। जिन लोगों को सबूत चाहिए वे पाकिस्तान जाओ। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने 5 साल में किसी को भी 5 रुपए खाने नहीं दिए, न ही कोई घोटाला होने दिया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचने वाले को देश का चौकीदार बना दिया और कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। कांग्रेस पार्टी वाले ने हिंदुओं को आतंकवाद का नाम दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को आतंकवाद का नाम नहीं दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कांग्रेस ने हमेशा ही देश को जातियों में बांटने का काम किया है और नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही अनुसूचित वर्ग को जोड़ने का काम किया है। कर ले, लेकिन हम देश को टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, राजद्रोहियों को कांग्रेस का समर्थन नहीं होने देंगे, क्योंकि जो कानून में बदलाव करने की वो बात करते हैं वो देश के लिए खतरा है और कांग्रेस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए कांग्रेस को कभी सत्ता में भी नहीं आने देंगे, मोदी सरकार लाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सदा अनुसूचित जाति वर्ग के साथ राजनीति की है, इन्हें अपना ग्रंटेड वोट बैंक समझा है और सत्ता में आने की एक सीढ़ी बनाया है। सत्ता में आकर कभी इस वर्ग के हितों की रक्षा नहीं की, कभी इस वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब सत्ता में आई हैं इस वर्ग के लिए योजनाएं बनाने को प्राथमिकता दी गई है। आज चाहे हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्र हैं उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना चली है, वो हमारी सरकार ने 1998 में शुरू की थी। आज अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अगर 12% के बजाय 25% बजट का प्रावधान है तो इसकी शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आदरणीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने की थी। आज अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की योजना शुरू की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसी तरह से इन वर्गों के आज जो पेंशन लग रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसकी शुरुआत हमारी सरकार के समय 1990 में आदरणीय शांता जी ने की है। आज उसकी उम्र को घटाकर 70 साल किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। आप देखेंगे जब भी हमारी सरकार बनी कोई ना कोई नई योजना इस वर्ग के हितों के लिए बनी है, जबकि कांग्रेस ने कभी इस वर्ग के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बनाई, एक वोट बैंक के रूप में इसको इस्तेमाल किया। आज अनुसूचित वर्ग जाग गया है, वो जागृत है, कांग्रेस नेताओं के गुमराह होने पर गुमराह होने वाला नहीं है। इसलिए सच्चाई को समझते हुए आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इस तरह का अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन पहली बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि आज अनुसूचित जाति वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ।